हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर अनु डाबर, सीनियर रूमेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट पारस गुड़गांव एंड उदयपुर। आज हम बात करेंगे उन तीन एक्सरसाइजेस के बारे में, सिंपल एक्सरसाइजेस, हैंड एक्सरसाइजेस जो आप कंफर्टेबली अपने घर पर या कहीं पर भी कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स इन अ डे इसे करने से बहुत फायदा रहेगा अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर हाथ को इन्वॉल्व करने वाला किसी भी प्रकार का आर्थराइटिस है। जिन तीन एक्सरसाइजेस की मैं बात करूंगी उनमें कोई इक्विपमेंट की आपको जरूरत नहीं है, आप उसे किसी भी टाइम कर सकते हैं। दिन के खाना पीना या खाली पेट रहने या खाना खाने के बाद इस एक्सरसाइज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके अलावा ये जो एक्सरसाइजेस हैं इनके तीन फायदे हैं, ये आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन सूजन कम करेगा जिससे आपका पेन इम्प्रूव होगा, ये आपके हाथ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा जिससे आपके हाथ में ताकत आएगी, हाथ में टेढ़ापन कम होगा। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म तक रेगुलर ये एक्सरसाइजेस करने पर ये देखा गया है कि आपकी हड्डियों में अंदरूनी जो डैमेज या टेढ़ापन आर्थराइटिस लंबे समय तक होने के वजह से होता है, जो एक्सरे में पहचाना जाता है, उसको भी होने के चांसेस कम होते हैं, और अगर वो है तो और नहीं बढ़ेगा। तो देखिए ये तीन एक्सरसाइजेस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको आर्थराइटिस की तकलीफ है, एंड तक इस वीडियो को देखिए, इन एक्सरसाइजेस को समझिए और जरूर कीजिए। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं टेबल टॉप। तो उसमें आप अपने दोनों हाथों को इस तरह रखते हुए अपनी फिंगर्स को फोल्ड कीजिए, ये हमारे MCP जॉइंट्स होते हैं इनके लेवल पर, और बार बार इस तरह का मूवमेंट आप करें। इस मूवमेंट को आप शुरू में दिन में 2 से 3 बार करके धीरे धीरे बढ़ाकर 10 से 15 बार भी कर सकते हैं। एक बार में आप इसके 5 सेट 6 सेट जितना आप कंफर्टेबली करें उतना करिए। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसे कहा जाता है सेपरेशन ऑफ फिंगर्स। अपने हाथों को इस तरह रखकर अपने फिंगर्स को सेपरेट कीजिए, पास लाइए, दूर ले जाइए। इसको आप ज्यादा बार कर सकते हैं क्योंकि एक सिंपल एक्सरसाइज है, पेन कॉज नहीं करेगी। इसे आप 10 से 15 बार, कई बार 20 बार भी दिन में कर सकते हैं। थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है उसे कहा जाता है टचिंग योर फिंगर्स विद द थंब। तो इस तरह अपने थंब और हैंड की फिंगर्स को इस तरह टच कीजिए एक एक कर, और इसे भी आप दिन में मल्टीपल टाइम्स 12-20 टाइम्स कर सकते हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज को करते हुए टाइम हो गया है और आपकी मसल्स आपको स्ट्रांग लग रही हैं, तो आप इसी मूवमेंट को विद रेजिस्टेंस कर सकते हैं। जैसे आपने एक फिंगर्स में एक सर्किल बनाया और इसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस खोलने की कोशिश कीजिए, पूरा जोर लगाइए इस हाथ से कि आप इसे अपनी इन फिंगर्स को खोल ना पाए, और इस हाथ से कोशिश कीजिए इसे खोलने की, इससे आपकी मसल्स और भी स्ट्रांग होंगी, और ये आप हर फिंगर का थंब के साथ इस तरह कर सकते हैं। तो ये तीन एक्सरसाइजेस आपके लिए फायदेमंद है, इसे जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर अनु डाबर्स रूमर केयर, जहां हम आर्थराइटिस क्यों होता है, उसमें क्या ट्रीटमेंट है, क्या लाइफस्टाइल एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।